हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं यश कुमार गुप्ता, आज हम बनाएंगे वायरलेस टेस्टर। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए, हमें ट्रांजिस्टर ले रखा है। ये ट्रांजिस्टर देख सकते हैं 547 BC बी का ट्रांजिस्टर है। हम इस ट्रांजिस्टर की मदद से वायरलेस टेस्टर बनाएंगे। चलिए, दो हम ट्रांजिस्टर, आयरन शोल्डर और LED प्लग ले रखे हैं। ठीक है फ्रेंड, हम इस सेल का यूज़ करके हम टेस्टर बनाएंगे। चलिए फ्रेंड, चलते हैं। और फ्रेंड, एक चीज और है, आपको दिख रहा था, ये हमारे पास एक बॉक्स, हम इससे सेल को पुट करने के लिए, रखने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। जैसे देख सकते हैं, इस टाइप में हम फोल्ड करेंगे। देखिए, पहले सेल को रखा और उसकी साइज के अनुसार ही फोल्ड करेंगे। देख सकते हैं, हमने इसको फोल्ड किया ऐसे करके और ऐसे फोल्ड करके टेप से, सेलो टेप से चिपका देंगे और यहाँ पर पिन टाइप में रखेंगे। और यहाँ एक ट्यूब भी बना सकते हैं आप, अगर जैसे पेंसिल की नोक होती है उस टाइप में भी आप बनाकर शो कर सकते हैं। दिखा सकता हूँ मैं ऐसे फ्रेंड, हम आपको एक सिंपल बना के दिखलाएंगे कि वायरलेस टेस्टर एक सिंपल कैसे बनाएं। अगर आपको ट्यूब बनाना है तो आराम से इसके अंदर फिट करके कर सकते हैं। ये हमारे पास दो सेल की नेगेटिव और पॉजिटिव पिन है, जो हम सेल हम इंसर्ट करेंगे उसमें काम आएगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको एक साइड रखते हैं। चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। हमने ले लिया कुछ वायर और LED और दो ट्रांजिस्टर, जिससे हम वायरलेस टेस्टर बनाएंगे। ये जो है पहला लाइट कलेक्टर है, बी और ई मीटर। ठीक है, हम इसको दो एलिमेंट, दो ट्रांसफर को लेकर एक साथ ज्वाइंट करेंगे। देख सकते हैं, दो ट्रांजिस्टर को ले लिए और इसको इस साइड से देखिए, दोनों एक बेस और एक ई मीटर दोनों को ज्वाइंट कर दिया है। ठीक है, और दोनों कलेक्टर से हम लाइट लगाएंगे। ठीक, ये तो जो कलेक्टर है हमारी फर्स्ट पिन है, उन पर हम लाइट लगाएंगे। देख सकते हैं, और बीच वाले पिन माइनस प्लस को देखकर हम इसको लगाएंगे। ठीक है, चलिए सोल्डिंग करते हैं। माइनस या हम इसको प्लस साइड कर रहे हैं और माइनस साइड अप कर देते हैं। देखिए, हमने प्लस और माइनस दोनों साइड कर दिया है। अब हमें वायर लेना है पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो ये हमारा पॉजिटिव वायर पॉजिटिव पे जाएगा और नेगेटिव वायर नेगेटिव पे जाएगा। ये हम पहले पॉजिटिव वायर लगा लेते हैं। देख लीजिए, पॉजिटिव वायर ज्वाइंट हो गए और दूसरा वायर नेगेटिव और नेगेटिव पे जाएगा, वो हमारे थर्ड लेग पे जाएगा, सेकंड ट्रांजिस्टर के थर्ड लेग पे जाएगा। देखिए, सेकंड ट्रांजिस्टर के थर्ड लेग पे हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। और बीच का जो है, फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बीच में जो है, वो हमारा नेट का यूज होगा। जैसे हम किसी को वायरलेस के जो नेट और जो वो कॉपर वायर को यूज करके हम उसको यूज करेंगे। चलिए फ्रेंड, ये जो हम सेल ला रखे इसको निकाल लेते हैं। ये हम तीन सेल ले रखी है और स्प्रिंग ले लिया जो हमें वोल्टेज रखने के लिए, और इसका बॉक्स लेंगे। चलिए, हमने इसका बॉक्स ले लिया। अब सेल और बॉक्स को पैक कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, पहले हम स्प्रिंग को लगा लेते हैं। स्प्रिंग को लगाने के बाद सेल पैक करेंगे। चलिए, देखिए, हमने दो स्प्रिंग लगा ली और टेप से इसको लपेट के सेल पैक कर दिया, वायर को ज्वाइंट कर दिया। अब दिखाते हैं आपको वायर में, ये देख सकते 20 वोल्ट पे रखा है मल्टीमीटर से। अब देखिए, वायर को चेक करके दिखाते हैं, पॉजिटिव वायर पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव, देखते कितने वोल्ट आएंगे। देख सकते हैं, 4 वोल्ट के करीब आ रहा है, तो मतलब कि हमारा सही है, क्योंकि हमें इसको 9 वोल्ट से 3 वोल्ट तक देना है और इससे कम नहीं देना है, ना इससे ज़्यादा देना है। ठीक है फ्रेंड, 9 वोल्ट से 3 वोल्ट से ना कम देना है ना ज़्यादा देना है। चलिए, हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ये वायरलेस टेस्टर। फ्रेंड, आपको क्या मालूम है वायरलेस टेस्टर का आविष्कार किसने किया था?
ये वायरलेस टेस्टर का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ये जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फ्रेंड चलिए इसको हम नेट के थ्रू ज्वाइंट कर लेते हैं। फ्रेंड ये जगदीश बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, आपको मालूम होगा, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये वायरलेस टेस्टर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। फ्रेंड चलिए इसको टेप से ज्वाइंट कर लेते हैं। हम आपको एक सिंपल तरीके से दिखाते हैं। एक टेप लिया, उसको फोल्ड करके ज्वाइंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसे टेप नहीं है, डबल टेप नहीं है। तो हम इसको ऐसे ज्वाइंट करके आपको दिखलाते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। चलें देखिए, हम इसको ऐसे अच्छे से परफेक्ट से चिपका लेते हैं। चिपकाने के बाद आपको दिखाते हैं कि सही से काम करते हैं कि नहीं। और ये जो वायर निकला है इसका टेप को चिपका देते हैं। चलिए अब इसको चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड ये हमारे आयरन शोल्डर का वायर में अर्थिंग आ रही है और आयरन शोल्डर हीटिंग है, मैं गर्म हो रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए लाइट बंद करके दिखा रहा हूँ, देखिए हमारे पास जाते ही लाइट एकदम ग्लो कर रहा है और थोड़ी दूर में हल्का ग्लो कर रहा है, देख सकते हैं हल्का ग्लो कर रहा है, एकदम पास जाते एकदम लाइटनेस दे रहा है, देख सकते हैं। स्विच में भी करंट आ रहा है, फुल बोर्ड में करंट आ रहा है हमारे, देख सकते हैं। ये हमारे वायर है, इसमें भी करंट आ रहा है। चलिए फ्रेंड आपको हम सीरीज लैंप लगा के दिखलाते हैं, ठीक है, देख सकते हैं इसमें ग्लो आ रहा है। हम आपको सीरीज लैंप लगाते हैं, उसमें बताते हैं ये कैसे उसमें आ रहा है कि नहीं। देखिए हमने सीरीज लैंप लगाया वायर और ये वायर चालू है, देख सकते हैं ये अर्थिंग, फुल अर्थिंग आ रही है। और आपको पहचान कैसे होगी कि जिसमें किसमें अर्थिंग आ रही है किसमें नहीं, तो अर्थिंग का मैं आपको इसमें दिखाते हैं। देखिए इसमें अर्थिंग, एक मिनट रुकिए, देखिए ये जो वायर है जिसमें अर्थिंग नहीं आ रही है, अर्थिंग आती तो ग्लो करता है, और जिसमें अर्थिंग आएगी देखिए फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा, देख सकते हैं। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं।